हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। और देखिए दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एलएलबी कॉलेज के हमारे जो सेकंड ओपन मैरिट लिस्ट आने वाली है या फिर हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होने वाले हैं दोबारा, जिसमें आपको ब्लैंक ऑफर लेटर डाउनलोड करना है। तो रात में हमारा यहाँ पे नोटिस आ चुके हैं, जिसमें देखिए आपको नोटिस मिल जाएंगे, जिसमें पीजी डिप्लोमा इन साइबर क्राइम लॉ की सेकंड मेरिट लिस्ट आ चुकी है, हमारा नोटिस आ चुका है। बीएलएलबी बीकॉम एलएलबी की सेकंड मेरिट लिस्ट और उसका रजिस्ट्रेशन दोबारा स्टार्ट हो चुका है। सेम तरीके से एलएलबी जो क्वालिफिकेशन फॉर्म है दोबारा से स्टार्ट हो गए हैं और सेकंड ओपन मेरिट लिस्ट का नोटिस यहाँ पे आ चुका है। सेम तरीके से बीपीएस की कॉलेज और कैंपस की सेकंड ओपन मेरिट लिस्ट का यहाँ पे नोटिस आ चुका है। तो सारे नोटिस मैं आपको यहाँ पे इसी वीडियो में अंदर क्लियर करूंगा कि आपको क्या करना है सेकंड ओपन मेरिट लिस्ट के अंदर। तो बात करते से पहले हम यहाँ पे एलएलबी कॉलेज की, तो एलएलबी कॉलेज के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप वेट कर रहे थे सेकंड ओपन मेरिट लिस्ट का, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन हमारा रात में आ चुका है। इसमें देखिए मेंशन किया गया है जो हमारे एलएलबी कॉलेज के रजिस्ट्रेशन दोबारा रीओपन किए जा रहे हैं। तो जो स्टूडेंट जिसने अभी तक एलएलबी कॉलेज का फॉर्म फिल नहीं किया था, तो वो अपना फॉर्म फिल कर सकता है। तो फॉर्म जो फिल करेगा वो 8 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में अपना फॉर्म फिल कर लेगा। और फॉर्म कैसे फिल करना है एलएलबी कॉलेज का, उसके लिए आपको करना क्या है, आपको मेरी वीडियो देख लेना है जिसमें मैंने बताया हुआ कैसे आपको एलएलबी कॉलेज के लिए फॉर्म फिल करना है। उस फॉर्म के अंदर आप अपनी सारी डिटेल फिल करेंगे, लेकिन कोई सब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं करेंगे वहाँ पे, ना ही कॉलेज सिलेक्शन होगा। सिर्फ आप अपना फॉर्म का फाइनल प्रिंट डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद आपको ब्लैंक ऑफर लेटर डाउनलोड करना है। यानी साथी दोस्तों, जो स्टूडेंट पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, जो अभी वेट कर रहे थे सेकंड ओपन मेरिट लिस्ट का, वो भी क्या काम करेंगे, अपना स्टूडेंट लॉगिन से लॉगिन करके ब्लैंक ऑफर लेटर डाउनलोड करेंगे, जो कि आप 8 अक्टूबर से लेके 11 अक्टूबर के बीच में ये काम कर सकते हैं। और इसी टाइम के पीरियड के बीच में आपको ये जो अपना ब्लैंक ऑफर लेटर, ये आपको कॉलेज में सबमिट करा देना है। यानी अपनी मर्जी से किसी भी कॉलेज में सबमिट करा सकते हैं, यानी जो आपने प्रेफरेंस सिलेक्ट की थी उसमें ही आपको सबमिट कराना है। अपनी मर्जी से जहां भी किसी कॉलेज में सीट अवेलेबल है, खाली है, उस कॉलेज में आप इसको सबमिट करा सकते हैं। तो ये आपको काम कर लेना है। जो स्टूडेंट ने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वो 8 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लेंगे और फिर अपना ब्लैंक ऑफर लेटर डाउनलोड कर लेंगे। और जो स्टूडेंट वेट कर रहे थे सेकंड ओपन मेरिट लिस्ट का, वो क्या करेंगे, अपना स्टूडेंट लॉगिन से लॉगिन करके अपना ब्लैंक ऑफर लेटर डाउनलोड करेंगे 8 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर के बीच में। और इसी टाइम पीरियड के बीच में ही आपको अपना जो ब्लैंक ऑफर लेटर कॉलेज में जाके सबमिट कर देना है, जिसमें भी आप अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, अपनी मर्जी से किसी भी कॉलेज में सबमिट करा सकते हैं। बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में सबमिट करा रहे हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में सबमिट करा दीजिएगा। बात करते हैं मेरिट कॉलेज में सबमिट कराया, तो मेरिट कॉलेज में जो आपकी ओपन मेरिट लिस्ट के अंदर जो हमारा ऑफर लेटर सबमिट होता है, वो ऑनलाइन सबमिट होता है, तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। तो उस वीडियो को देखकर आप अपना ऑफर लेटर सबमिट कर सकते हैं, या फिर आपने पहले भी ऑफर लेटर सबमिट किया होगा अपना, तो आप अपना ऑफर लेटर सबमिट कर दीजिएगा। साथ में बात करते हैं, जब आप अपना ऑफर लेटर सबमिट करा देंगे कॉलेज के अंदर और वहां से अपना स्टूडेंट कॉपी रिसीव कर लेंगे, इसके बाद क्या होगा, हमारी 12 और 13 की छुट्टी है, इसके बाद हमारी 14 तारीख को जो हमारी मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी, 14 तारीख को जो हमारी फर्स्ट सेकंड ओपन मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी, इसमें आपको कट ऑफ चेक करनी है, यानी अपने मेरिट लिस्ट का अपना नेम चेक करना है। जो गवर्नमेंट की कॉलेज की वेबसाइट पे आपको इसमें आपको जो मेरिट लिस्ट मिल जाएगी, अगर मेरिट लिस्ट के अंदर आपका नेम आता है, तो आपको 14 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच में 3 कार्य दिवस के अंदर आपको अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। अब बात करते हैं किस गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर कितनी सीट अवेलेबल है एलएलबी कॉलेज की। तो यहाँ पे बात करते हैं हम सबसे पहले बुलंदशहर एनआरईसी कॉलेज खुर्जा बुलंदशहर के अंदर, देखिए जो हमारा गवर्नमेंट कॉलेज अंदर 120 सीट है और 38 सीट अभी हमारे अवेलेबल है इस कॉलेज के अंदर। सेम तरीके से बात करते हैं अगर हम गाजियाबाद कॉलेज के, जो कि एमएमएच कॉलेज है, जो कि हमारी 21 सीट अभी इसमें अवेलेबल है हमारी। सेम तरीके से मेरठ कॉलेज की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो मेरठ कॉलेज के अंदर जो हमारी सीट अवेलेबल है वो यहाँ पे चेक कर लेता हूँ जल्दी से मैं, यहाँ पे जो 85 सीट अभी अवेलेबल है हमारी यहाँ पे, और जो एनएएस कॉलेज मेरठ के अंदर जो सीट अवेलेबल है वो 10 सीट अवेलेबल है। तो आप देख लीजिएगा किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट अवेलेबल है, उसी हिसाब से अपना ब्लैंक ऑफर लेटर उस कॉलेज के अंदर आपको सबमिट करना है। सिर्फ मेरठ कॉलेज जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसके अंदर सबसे ज्यादा सीट अभी अवेलेबल है 85, बाकी के अंदर हमारी 10 या 30 सीट हमारी अवेलेबल है। तो अपने हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा कितनी सीट अवेलेबल है और किस में सीट अवेलेबल है और किस में आपको अपना फॉर्म सबमिट करना है, अपना जाके ब्लैंक ऑफर लेटर आप सबमिट कर दीजिएगा। 14 अक्टूबर को आपकी सेकंड ओपन मेरिट लिस्ट आएगी, इसमें अगर आपका नेम आता है तो आप एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे 14 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच में। जो मैं अपनी आने वाली वीडियो के अंदर आपको मेरिट लिस्ट बता दूंगा कि किस स्टूडेंट का नेम आया है, उस वीडियो को देखकर आप अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये तो रहा एलएलबी कॉलेज के लिए। अब बात करते हैं हम सेकंड ओपन मेरिट लिस्ट जो कि रहेगी हमारी, जो है बीपीएस कोर्सेज के लिए, जो बीपीएस कॉलेज और कैंपस की हमारी सेकंड ओपन मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है, जिसमें आपको क्या करना है, अपना ब्लैंक ऑफर लेटर डाउनलोड करना है स्टूडेंट को 8 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में आपको अपना ब्लैंक ऑफर लेटर डाउनलोड करना है, उसे कॉलेज में जाके सबमिट करा देना है। यानी
आपको कॉलेज में सबमिट कराने के बाद आपको स्टूडेंट कॉपी रिसीव कर लेनी है, और फिर स्टूडेंट कॉपी रिसीव करने के बाद देखिए आपकी 10, 11, 12 को आपका कोई मेरिट लिस्ट नहीं आएगी, मेरिट लिस्ट भी आपकी 14 अक्टूबर को ही बनाई जाएगी। और 14 अक्टूबर को जो आप मेरिट लिस्ट आएगी बीपीएस की कॉलेज और कैंपस की, अगर उस मेरिट लिस्ट से आपका नेम आता है तो आपको 14 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में अपना स्टूडेंट कॉपी कॉलेज में सबमिट करके, साथ ही कैंपस में स्टूडेंट कॉपी सबमिट करके, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। ये तो रहा हमारा बीपीएस कोर्सेज के लिए। से बात करते हैं अगर आप बीएलएलबी बीकॉम एलएलबी के स्टूडेंट हैं और सेकंड ओपन मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी एलएलबी की तरह हमारे एडमिशन रीओपन कर दिए गए हैं, जिसमें अगर आपने अभी तक एडमिशन फॉर्म फिल नहीं किया था तो आप 8 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको अपना ब्लैंक ऑफर लेटर डाउनलोड करना है। ब्लैंक ऑफर लेटर डाउनलोड करने के बाद इसको आपको कॉलेज में सबमिट भी करा देना है, जिस कॉलेज में आपने अपना एडमिशन लेना है, अपनी मर्जी से किसी भी कॉलेज में आप सबमिट करा सकते हैं। यानी 8 अक्टूबर से लेके 11 अक्टूबर के बीच में ही आपको ये काम करना है। बात करते हैं जो स्टूडेंट ने पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ था वो सिर्फ काम क्या करेंगे, 8 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर के बीच में अपना स्टूडेंट लॉगिन से लॉगिन करके ब्लैंक ऑफर लेटर डाउनलोड कर लीजिएगा और उसे अपनी मर्जी से किसी भी कॉलेज में आप सबमिट कर दीजिएगा और वहां से स्टूडेंट को भी रिसीव कर लीजिएगा। स्टूडेंट को भी रिसीव करने के बाद 14 अक्टूबर को हमारी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, यानी 14 अक्टूबर को यानी हमारी मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी वेबसाइट पर भी, और कुछ कॉलेज में जाके भी आप चेक कर सकते हैं। अगर मेरिट लिस्ट के अंदर आपका नेम आता है तो 14 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपना एडमिशन ले लेना है। तो ये है हमारा बीएलएलबी बीकॉम एलएलबी की सेकंड ओपन मेरिट लिस्ट का रजिस्ट्रेशन रीओपन जो हमारे हुए हैं। सेम तरीके से बात करते हैं, हमारा एक नोटिस और आया जो कि हमारा है पीजी डिप्लोमा इन साइबर क्राइम एंड लॉ के अंदर, जो हमारी सेकंड ओपन मेरिट लिस्ट का यहाँ पे नोटिस आ चुका है, जो कि हमारी 7 अक्टूबर को यहाँ पे प्रकाशित कर दी गई, यानी कल शाम को हमारी यहाँ पे आ गई है, जिसको आज आप चेक कर सकते हैं। 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में आपको एडमिशन लेना है, यानी आपको करना क्या है, सेकेंड ओपन मेरिट लिस्ट के अंदर अपना सेकेंड मेरिट लिस्ट के अंदर आपको अपना ऑफर लेटर डाउनलोड करना है लॉगिन पोर्टल से लॉगिन करके, और लॉगिन करने के बाद ऑफर लेटर डाउनलोड करने के बाद आपको 8 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में जिस कॉलेज के अंदर आपका मेरिट लिस्ट का नेम आया उस कॉलेज में जाके आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपना एडमिशन कंफर्म कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी 4 नोटिफिकेशन आया, जिसमें हमारे देखिए एलएलबी कॉलेज की सेकंड ओपन मेरिट लिस्ट आ चुकी है, उसका नोटिस आ चुका है, सर्व रजिस्ट्रेशन हमारे रीओपन हो गए हैं। सेम बीपीएस के कैंपस और कॉलेज की हमारे सेकंड मेरिट लिस्ट आ चुकी है। सेम तरीके से बीएलएलबी बीकॉम एलएलबी की सेकंड ओपन मेरिट लिस्ट हमारी यहाँ पे नोटिस आ चुका है और रजिस्ट्रेशन रीओपन कर दिए गए हैं। सेम तरीके से हमारे जो हमारे पीजी डिप्लोमा इन साइबर क्राइम की सेकंड मेरिट लिस्ट का नोटिस आ चुका है, जिसमें 7 अक्टूबर को हमारी सकल हमारी मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें आपको ऑफर लेटर डाउनलोड करके 8 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है, यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये नोटिस आप यूनिवर्सिटी के एडमिशन की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। तो जल्द ही हमारी मेरिट लिस्ट आने वाली जो कि 14 अक्टूबर को मेरिट लिस्ट आएगी, तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना ब्लैंक ऑफर लेटर डाउनलोड करके आपको कॉलेज में जाके सबमिट करा देना है, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं अपनी मर्जी से। तो ये काम आपको कर लेना है। अब आपको करना क्या है, आपको लॉगिन से आपको लॉगिन करना है पोर्टल पे। लॉगिन करने के बाद देखिए आपको ऑफर लेटर ऑप्शन मिलेगा, ऑफर लेटर ऑप्शन क्लिक करके आपको ब्लैंक ऑफर लेटर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अभी मुझे यहाँ पे ऑफर लेटर देखने को नहीं मिल रहा है, हो सकता है कुछ टाइम बाद इन दोपहर तक आपको ऑफर लेटर देखने को मिल जाए, जिसमें आपको प्रिंट ऑफर लेटर ऑप्शन क्लिक करके आपको अपना ऑफर लेटर डाउनलोड कर लेना है। इसमें आपकी कॉलेज कॉपी होगी, स्टूडेंट कॉपी होगी। कॉलेज कॉपी आपकी कॉलेज में सबमिट होगी, जो कि ब्लैंक ऑफर लेटर होता है, कोई कॉलेज मेंशन नहीं होती, सिर्फ आपको स्टूडेंट कॉपी आपको रिसीव कर लेनी है वहां से, और फिर वेट करना है मेरिट लिस्ट का। मेरिट लिस्ट आपकी आएगी जो कि 14 अक्टूबर को हमारी मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें आपका मेरिट लिस्ट का अगर नेम आता है 14 अक्टूबर से लेके 16 अक्टूबर के बीच में आप 3 कार्य दिवस के अंदर अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा एलएलबी कॉलेज की जो सेकंड मेरिट लिस्ट आई है हमारी ओपन मेरिट लिस्ट, उसमें आपको एडमिशन प्रोसेस कैसे कंप्लीट करना है, उससे जुड़ी हुई जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर शेयर कर दी है। थैंक यू।